अभिनेता सुनील शेट्टी की बात करें तो वो बॉलीवुड के जाने माने एक्शन हीरो कहलाए जाते हैं और उनके बेटे आहन शेट्टी को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिर वो कब बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वो साउथ की फिल्म RX 100 की हिंदी रीमेक अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं और खबर आई कि आहन शेट्टी आज से ही अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं और फिल्म का नाम तड़प होगा। इस बात की जानकारी फिल्म के निर्देशक मिलन लोथारिया ने दे डाली है। फिल्म के निर्देशक मिलन लोथारिया ने इस खबर पर पक्की मोहर लगा दी है। इस फिल्म में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली तारा सुतारिया भी नजर आने वाली हैं, जिनको काफी ज्यादा इस फिल्म में पसंद किया गया था। मिलन लोथारिया ने आगे बातचीत करते हुए बताया कि इस फिल्म को लेकर वो और आहान काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म काफी दमदार होने वाली है। गौरतलब है कि आहान शेट्टी से पहले उनकी बहन आथिया शेट्टी ने फिल्म हीरोशिश अपने करियर की शुरुआत की थी और उनको सलमान खान ने लॉन्च किया था, लेकिन अब सुनील शेट्टी का बेटा आहन शेट्टी भी बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार है। वह दूसरी ओर साउथ की फिल्म RX 100 की बात करें तो इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा दमदार थी। एक लव स्टोरी फिल्म थी जिसे साउथ में काफी ज्यादा पसंद किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे आहन शेट्टी की इस फिल्म के निर्माता है साजिद नडियाडवाला और इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाना है।